दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम गलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राजभवन और सुक्खू सरकार के बीच तकरार शुरू हो गया है। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार के बयानों पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जबरदस्त तरीके से आपत्ति जताई है। और बड़ी बात है कि यहाँ पर सरकार के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए बाकायदा आज राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तमाम आरोपों को निराधार बताया और उन्होंने मंत्री को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास भी किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यपाल ने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति पर विधानसभा में पारित बिल पर विवाद जो चल रहा है उसे लेकर राज्यपाल ने कहा कि पद की गरिमा के खिलाफ मैं बिल्कुल काम नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पारित विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति के बिल को लेकर राजभवन और सरकार जिस प्रकार का तालमेल कर रही थी उसमें मंत्री का बयान बिल्कुल गलत है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि राज्यपाल पूरी तरह से प्रेस को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मंत्री के बयानों पर जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहे हैं। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब यहां पर तकरार शुरू हो रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नियुक्ति को लेकर बिल मंजूरी के लिए राजभवन में अटका है, जबकि बिल सरकार के पास है। राजभवन ने इसे टिप्पणी के लिए सरकार को भेजा है जिस पर सरकार ने फैसला लेना है। ऐसे में राजभवन पर दोषारोपण करना बिल्कुल गलत है, ये राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा। उन्होंने कहा कि राजभवनी से लेकर पूरी तरह से पत्राचार सरकार के साथ कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से कृषि मंत्री कह रहे हैं कि राजभवन में राज्यपाल के पास बिल को लेकर पत्रावली पड़ी है इसके लिए नियमित कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि कृषि मंत्री का बड़ा बयान था कि पत्रावली राजभवन में लंबित है, इस कारण यहाँ पर कुलपति की अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पर शिव प्रताप शुक्ल राज्यपाल ने कहा कि सच्चाई कुछ और है, राजभवन की तरफ से इसमें कोई देरी नहीं हुई है। बिल में सरकार ने संशोधन कर कहा है कि सरकार की सहमति के आधार पर कुलपति की नियुक्ति की जाए, क्योंकि पैसा सरकार देती है, इसलिए जो नाम सरकार भेजे उसे ही राज्यपाल अपनी सहमति दे दे, जबकि नियमों में ऐसा नहीं है। यानी कि समझने की कोशिश कीजिए, गवर्नर ने कहा है कि जो सरकार नाम भेजे उसे ही अप्रूव कर दिया जाए, यह नियमों में कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि यहां पर विशेष अधिकार राजभवन का भी है। हालांकि उन्होंने यह कहा कि मैं नियमों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं राजभवन की पद की गरिमा का पूरा ध्यान रखूंगा। यानी कि हां, साफ यह भी समझा जा रहा है कि जो सुक्खू सरकार वीसी लगाना चाहती है उसके लिए राज्यपाल हो सकता है कि तैयार ना हो, इसके चलते यह विवाद बड़ा हो, क्योंकि उन्होंने बार बार यह बात कही कि राज्य सरकार गलत आरोप लगा रही है। और साथ यह भी कहा कि जो नाम सरकार भेजे जरूरी नहीं है कि राजभवन उस पर ठप्पा लगा दे। उन्होंने कहा यह नियमों में कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों के मुताबिक यूजीसी, राज्यपाल और सरकार तीनों के प्रतिनिधि की सहमति से कुलपति की नियुक्ति होती है। ऐसा देश में किसी भी राज्य में प्रावधान नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसी स्थिति में बिल पहली बार राष्ट्रपति को भेजने पर राजभवन विचार करेगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकार का कोई बिल यहां पर राजभवन से विचाराधीन मामला है, ये राष्ट्रपति के लिए भेजा जाएगा। और राज्यपाल ने यह भी कहा कि यह पहला मौका होगा कि कोई बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राजभवन ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पुराने नियमों के अनुसार ही कमेटी कंस्टिट्यूट की थी जो कुलपति को खोजने का काम कर रही है, लेकिन एक साल से कुलपति को नहीं खोजा गया। कुलपति की नियुक्ति ना होने में राजभवन का कोई दोष नहीं है, इसे दोहराते हुए कहा कि मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है, क्योंकि इसे लेकर कोर्ट से भी स्टे मिल गया था। राज्यपाल ने कहा कि मैं नियमों के विरुद्ध कोई काम नहीं करूँगा, ये सीधी सरकार को उनकी चेतावनी थी
कि मैं नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। राज्यपाल के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं किसी भी हद में कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मैं नियमों की परिपाटी में काम करूंगा। ये राज्यपाल ने सरकार को घेरते हुए सवालों के कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिल सरकार के पास ही है और सरकार को ही उसमें निर्णय लेना। वहीं राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ चुकी है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन प्रदेश शांत प्रदेश में अगर कुछ भी घटना होती है तो प्रदेश की बदनामी होती है, ऐसे में सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। वहीं राज्यपाल ने ट्राइबल एरिया में भूमिहीनों को नोतोड़ देने के मामले में कहा कि मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसके हक में हूँ। राजभवन को नोतोड़ भूमि देने में कोई आपत्ति नहीं है। राजभवन ने इसमें सरकार से लाभार्थियों की संख्या पूछी है, जैसे ही सुक्खू सरकार इसका जवाब दे देगी राजभवन इसे मंजूरी प्रदान कर देगा। अभी उन्होंने प्रदेश में दो दलों के बीच चल रहे जुबानी हमलों के बीच कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, इस पर वे कुछ नहीं कहेंगे, किसको बर्खास्त किया जा रहा है और किसको नहीं, ये उनके संविधान अधिकार में ये मामला तब तक नहीं आता जब तक ये मामला उनके पास ना पहुंचे। बहरहाल इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए, इसके पीछे की पटकथा क्या है। राज्यपाल हाल ही में संपन्न हुए योग दिवस को लेकर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में भी एक नाराजगी जताते हुए कहा था कि राज्य सरकार योग दिवस के लिए गंभीर नहीं है, यहां पर राज्यपाल के इस वक्तव्य के पास इस संबोधन से जानकारों को इतना जरूर पता चल गया था कि राजभवन और सरकार में कुछ खटपट चल रही है, कुछ होने वाला है। इसके तुरंत बाद राज्यपाल दिल्ली जाते हैं, तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करते हैं और दिल्ली से लौटने के बाद सीधे प्रेस को इनवाइट किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और संभवतः हिमाचल प्रदेश में ऐसा बेहद कम देखने को मिला है कि राज्यपाल सरकार के आरोपों का खंडन करने के लिए या सरकार पर सवाल दागने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। यानी कि इसके पीछे की कहानी कुछ और भी समझी जा सकती है, चाहे वो योग दिवस हो या तमाम दूसरे मुद्दे हो, क्योंकि बिल पर जिस प्रकार से बिल को लेकर टकराव ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी वीरभद्र सरकार में भी इस तरह के टकराव राजभवन के साथ होते रहे हैं या दूसरी सरकारों में भी इस प्रकार के टकराव चलते रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर वाकई एक बिल का कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को राजभवन बुला सकते थे, किसी मिनिस्टर्स को बुला सकते थे, सरकार के साथ बातचीत के साथ ये मामला सुलझाया जा सकता था। लेकिन जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिस प्रकार से तमाम आरोपों पर पलटवार किया गया और सीधे सीधे तौर पर राज्यपाल ने जिस प्रकार से कहा कि मैं गलत काम कोई भी नहीं करूंगा, मैं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नियमों की परिपाटी में काम करूंगा, राज्यपाल ने सीधा यह संकेत दिया है कि मेरे से आप कोई गलत बिल यहां पर अप्रूव नहीं करवा सकते, मैं मंजूरी नहीं दूंगा। यह सीधा सीधा माना जा रहा है कि यह सरकार और राजभवन के बीच तकरार शुरू हो गया है और आगे चलकर इसके क्या परिणाम होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उधर चार धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन को जरूर जोर का झटका लगा है और साथ में निराशा भी हुई है, क्योंकि लंबे समय से केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा का प्लान कर रहे उद्योग मंत्री अपने परिवार के साथ देहरादून हेलीपैड पर पहुंचे थे, जहां पर उन्हें एक 6 सीटर चोपर के माध्यम से उन्होंने चार धाम की यात्रा करनी थी। लेकिन वहां पर हुआ क्या, जब उद्योग मंत्री अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचते हैं तो हिमालयन एयरवेज कंपनी जिनका चोपर था वहां पर तैनात तमाम एयरवेज के जितने भी स्क्रू मेंबर थे या वहां पर कर्मी थे, उन्होंने उद्योग मंत्री के साथ जब पूरे परिवार की वेरिफिकेशन की तो परिवार के 5-10 चोपर में बैठ गए, लेकिन उन्होंने हर्षवर्धन चौहान को चोपर में बैठने से मना कर दिया और इसके पीछे बड़ी वजह बताई सिविल एविएशन के नॉर्म्स रूल रेगुलेशन, क्योंकि सिविल एविएशन ने यह साफ कर दिया है, बाकायदे इसकी नोटिफिकेशन भी जारी की गई है कि सिंगल सीटर चोपर में कोई भी मंत्री CM या केंद्रीय मंत्री नहीं बिठाया जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते राज्य के मंत्रियों को
भी सिंगल इंजन वाले चॉपर में बैठने की अनुमति नहीं है। सुरक्षा के चलते सिर्फ डबल इंजन में ही मिनिस्टर, सीएम या केंद्रीय मंत्री सवार हो सकते हैं। इस कारण उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को सिंगल इंजन चॉपर होने के कारण उन्हें हेलीकॉप्टर में सीट नहीं दी गई, उन्हें रोक दिया गया। काफ़ी ज़्यादा उस पर निवेदन भी किया गया कि लंबे समय से परिवार के साथ प्लान था केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है, और इसी के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला से देहरादून तक चलकर आए हैं। आगे एडवांस बुकिंग कर दी गई है, एयरवेज कंपनी को पैसा दिया गया, तमाम बुकिंग कर ली गई है, लेकिन एयरवेज कंपनी ने हर्षवर्धन चौहान के परिवार के 5 लोगों को चॉपर में जगह दे दी, लेकिन मिनिस्टर को बैठने नहीं दिया। उन्होंने सीधा कहा कि सुरक्षा के नियमों के चलते वह सिंगल इंजन वाले चॉपर में सवार नहीं हो सकते। बहरहाल उद्योग मंत्री को निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा, वह शिमला वापस लौट आए। हालांकि उन्होंने अपनी जगह, क्योंकि वहां पर 6 सीटर चॉपर था, इसके चलते अपनी जगह उन्होंने अपना PSO भेज दिया, परिवार के सारे लोग भेज दिए, लेकिन मंत्री बिना दर्शन के देहरादून से वापस शिमला आ गए। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में खराब रिजल्ट देने वाले टीचर्स की एक इंक्रीमेंट पर रोक लगाने के आदेश जारी हो गए हैं। 116 स्कूलों के 250 प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की इंक्रीमेंट को रोकने का बाकायदा नोटिस जारी कर 3 दिन के भीतर रिप्लाई मांगा गया है, और अब एलिमेंट्री एजुकेशन की इस कार्रवाई के बाद हायर एजुकेशन ने भी नोटिस तैयार करने शुरू कर दिए हैं, और माना यह जा रहा है कि हायर एजुकेशन के भी 250 से 60 के आसपास लेक्चरर इस जद में आ सकते हैं। 50% से कम रिजल्ट देने वाले स्कूलों पर ये राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। इनमें से 30 स्कूल ऐसे हैं जिनका स्कूल शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट 0 है। एक इंक्रीमेंट रोकने के साथ इनकी ACR तथा सर्विस बुक में भी इसकी बाकायदा एंट्री की जाएगी। पिछले साल भी राज्य सरकार ने नोटिस जारी किया था और इंक्रीमेंट पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन पहली बार लैक्स करते हुए वार्निंग के साथ इन टीचर्स को छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने यह सख्त और कड़ा फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में यहां पर जिस प्रकार से इस बार परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ और सरकारी स्कूलों पर जिस प्रकार से राज्य सरकार बजट खर्च कर रही है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो या अध्यापकों के वेतन भत्तों पर हो, अब यह बड़े स्तर पर तुलना की जा रही है कि प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों के बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों के अगर फैकल्टीज की बात की जाए तो 15,000 से 20,000 औसतन वहां पर वेतन मिलता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अगर लेक्चरर टीचर्स का औसतन वेतन निकाला जाए तो 85,000 रुपया औसतन वेतन बनता है, और बच्चों की संख्या देखी जाए तो प्राइवेट स्कूल में संख्या ज्यादा है। ऐसे में लगातार दूसरे साल भी स्कूलों का रिजल्ट 25% से कम आने पर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया कि इनकी एक इंक्रीमेंट रोक दी जाएगी, और इंक्रीमेंट रुकने के साथ इनकी सर्विस बुक और ACR में भी एंट्री हो जाएगी। इसीलिए नोटिस जारी किया है, 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है, और इसके बाद इंक्रीमेंट रोकने को लेकर भी यहां पर आदेश जारी हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, सरकार का कड़ा फैसला था कि कम से कम हिमाचल प्रदेश के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके, टीचर्स कम से कम सीरियस हो सकें, गंभीर हो सकें। हालांकि सारे सरकारी स्कूल के टीचर कम रिजल्ट वाले नहीं हैं, अगर यहां पर 250 टीचर्स हैं और 116 स्कूल चिन्हित हुए हैं एलिमेंट्री के, तो हिमाचल में हजारों स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर स्कूल शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट बेहद शानदार रहा है। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा इंडिकेशन राज्य सरकार ने साफ दे दिया है कि अगले साल अगर आपका रिजल्ट ऐसा आया, इस बार एक इंक्रीमेंट रोक रहे हैं, अगली बार आपका वेतन भी रोक सकते हैं, आपकी इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन भी रोक सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लिए चेयरमैन के पद के लिए कुल 8 आवेदन आए हैं और मेंबर के लिए 11 आवेदन आए हैं। इसी के लिए राज्य सरकार ने अब केंद्र को इसके लिए नाम भेजेगी और राष्ट्रपति से इसकी नोटिफिकेशन जारी होगी। हालांकि रिकमेंडेशन का अधिकार राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार जिन नामों की सिफारिश करेगी केंद्र सरकार उन पर ठप्पा लगा देगी। लेकिन इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर लग रहे हैं, जो कि ब्यूरोक्रेट लगते हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर लगते हैं, उसके लिए दोबारा एडवर्टाइज किया जा रहा है। 2 सीटें इसकी हैं, 2 मेंबर इसके हैं, इसके लिए दोबारा एडवर्टाइज किया जा रहा है। उधर
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग घोटाले में फंसे, क्योंकि अब तो राज्य चयन आयोग बन चुका है, लेकिन जब सुक्खू सरकार ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी चयन आयोग पर की, और उसके सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र कंवर, जिन्हें इन मामलों के घोटाले का आरोपी पाया गया था, उनकी सस्पेंशन 3 माह के लिए बढ़ा दी है। लंबे समय से सस्पेंड चल रहे डॉक्टर कंवर पर करीब 8 से 10 मामले दर्ज हैं, जिसमें उन्हें आरोपी बनाया गया है। 6 महीने बाद नियमों के अनुसार, जो सीसी रूल है, कंडक्ट रूल है, उसके अनुसार 6 महीने के भीतर रिव्यू किया जाता, सस्पेंशन को रिव्यू किया जाता है, और इस रिव्यू पर उन्हें सस्पेंशन से बाहर भी कर दिया जाता है, लेकिन इनकी लगातार इनकी सस्पेंशन को बढ़ाया जा रहा है। आज एक बार फिर इस पर बाकायदा मीटिंग की गई और रिव्यू करने के बाद ये फैसला लिया गया कि डॉक्टर कमर की सस्पेंशन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी में जेई पद की भर्ती के लिए कमीशन को फाइल भेज दी गई है। लंबे समय से पोस्ट क्रिएशन का मामला था। पीडब्ल्यूडी में 90 पद इसके लिए सृजित किए गए थे, लेकिन अब इसकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है और कमीशन को इस भर्ती की रिक्वजिशन भेज दी गई है। इसी बीच पीडब्ल्यूडी में जेई से एसडीओ पद की प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विजिलेंस से क्लियरेंस मांगी गई है, बीसीसी आने पर इनकी डीपीसी कर दी जाएगी। इसके अलावा एक्शन से 80 पद पर प्रमोशन के लिए भी डीपीसी होगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी अभिषेक जैन ने लंबी चौड़ी आपत्तियों के साथ फाइल को लौटा दिया गया था, लेकिन तमाम आपत्तियों को दूर करने के बाद इसकी फाइल दोबारा सेक्रेटरी अभिषेक जैन को भेज दी है। जाहिर तौर पर अब इसकी डीपीसी होगी, तो उसमें कमेटी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के ईएनसी दिल्ली में मीटिंग के लिए रवाना हुए हैं, वह कल शाम तक वापस लौट सकते हैं और इसके बाद इसकी डीपीसी भी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती की राह आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉप गैप अरेंजमेंट से ही एनटीटी के शिक्षकों को आउटसोर्स आधार पर भरा जाएगा। 10,000 के वेतन के साथ एनटीटी भर्ती किए जाएंगे। आउटसोर्स भर्ती से पहले 2 साल वाले पात्र एनटीटी के नॉर्म्स के तहत ही भर्ती को अमलीजामा पहनाया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि यह मामला एक बार फिर लटक सकता है। हालांकि चुनावों के दौरान कैबिनेट में यह डिसीजन जरूर लिया गया था। फिलहाल सरकार दावा है कि जल्दी एनटीटी स्कूलों में टीचर्स भर्ती कर लिए जाएंगे। आरएनपी रूल्स बनाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6,297 शिक्षकों की भर्ती की जानी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से पहले आउटसोर्स पर 2 साल के डिप्लोमे के साथ ये भर्ती होती फिलहाल प्रतीत नहीं हो रही है। दिव्यांग छात्रों से वसूला जा रहा फीस व फंड, शिक्षा विभाग ने लिया कड़ा संज्ञान। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत दिव्यांगों को निशुल्क शिक्षा के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा ने पर यहाँ पर यह भी आ रहा कि इस मामले में शिकायतें आ रही हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 40% तक दिव्यांग छात्रों की स्कूलों में जमा 2 तक की फ्री पढ़ाई निर्धारित की गई है। स्कूलों में दिव्यांग छात्रों से फंड वसूलने पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विभाग ने जिला उपनिदेशकों को कहा कि स्कूलों को दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति और ज्यादा जागरूक किया जाए, ताकि कम से कम उनका शोषण ना हो सके। के माध्यम से राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। उपचुनाव के लिए और पर्यवेक्षक लगा दिए, ये काफ़ी रोचक है। उपचुनावों में जिस प्रकार से कांग्रेस की फौज हर दिन लग रही है, रोज नोटिफिकेशन जारी हो रही है, आज फिर कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सांसद एवं हिमाचल मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने इसके लिए और फौज आज चुनावी रण में उतारी है। देरा, हमीरपुर व नालागढ़ विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं को पूर्व में दी गई जिम्मेदारियों के अलावा चुनाव प्रभारी व अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है। देरा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कोटा नीलमा को, हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुलदीप बत्स को पर्यवेक्षक लगाया गया है। आशा कुमारी को भी सह पर्यवेक्षक लगाया गया है। वहीं वरिष्ठ पर्यवेक्षक हरमिंदर सिंह लक्की को नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से देरा विधानसभा क्षेत्र के लिए अजय महाजन व देवेंद्र जग्गी को लगाया गया, जबकि हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अनीता वर्मा, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए दयाल प्यारी, यदुपति ठाकुर, अरुण शर्मा, इकबाल मोहम्मद, रमेश चौहान, रमेश ठाकुर, मोहन मेहता, मुकेश शर्मा व पवन चौहान को सह संयोजक बनाया गया। लंबी चौड़ी फौज लगातार हर दिन कांग्रेस के करीब 20 से 25 नेताओं की विधानसभा उपचुनावों में ड्यूटी लग रही है। बद्दी बरोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल
प्रदूषण खतरनाक स्थिति में है। बद्दी बरोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र में भूजल प्रदूषण खतरनाक स्थिति में आ चुका है। भूतल से 30 से 80 मीटर की गहराई में ये प्रदूषण पाया गया है। कोर्ट ने आईआईटी मंडी द्वारा इस क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से जुड़ी रिपोर्ट को देखने के बाद पाया कि प्राकृतिक और औद्योगिक दोनों प्रकार के स्रोतों से उत्पन्न होने वाले भूजल में भारी धातुओं और जियोनेजिक यूरेनल के तत्व पाए गए हैं। इस तरह जल में कार्सिनोजेनिक रसायनों की उपस्थिति में मानवीय स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन बैद की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश पारित करते हुए कहा कि बद्दी बरोटी वाला औद्योगिक क्षेत्र में इस चिंताजनक भूजल प्रदूषण से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखे। कोर्ट ने BBND को भी उक्त रिपोर्ट पर अपनी कार्रवाई से कोर्ट को अवगत करवाने के आदेश जारी किए हैं। विलासपुर फायरिंग मामले में पूर्व विधायक का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। विलासपुर के कोर्ट परिसर में हुई फायरिंग की घटना के मास्टरमाइंड आरोपी पुरंजन ठाकुर को पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट में पेश होने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुरंजन ठाकुर पर आरोप है कि उसने पंजाब के लुधियाना निवासी सन्नी गिल को 20 जून को दिन दिहाड़े गोली चलाने का आदेश दिया था और शूटर सन्नी ने खुद पुलिस पूछताछ में यह खुलासा किया था। इसके बाद पुलिस ने पिछले 5 दिनों से पुरंजन ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की थी। हालांकि पुलिस ने आज कोर्ट में पेशी से पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 20 जून को बिलासपुर जिला न्यायालय के बाहर एक युवक को दिन दिहाड़े गोली मार दी गई थी। जब मामले की जांच की गई तो गोलीकांड का मास्टरमाइंड पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बेटा पुरंजन ठाकुर निकला। SP बिलासपुर विवेक चहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका खुलासा किया था। शूटर ने पुलिस को बताया कि पुरंजन ने उसे सोर पटियाल पर गोली चलाने के लिए बुलाया था। इसके लिए पैसों का लेन देन भी तय हुआ था। कुछ पैसे उसे पहले ही मिल गए थे और कुछ काम करने के बाद दिए जाने थे। इस पूरे मामले में एक और कुख्यात अपराधी मल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मल्ली ने ही पुरंजन को शूटर मुहैया करवाया था। 23 फरवरी को जबली में रेलवे के कार्यालय में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमला हुआ था। इस हमले में सौरभ पटियाल और उसके साथियों पर केस दर्ज हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर भी लोग अब ये कह रहे हैं कि ऐसा हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं होता था। जिस प्रकार से किसी को जान से मारने के लिए बाकायदा सुपारी दी गई, शूटर बुलाया गया, हालांकि ये तमाम अभी तक बंबर ठाकुर के बेटे के खिलाफ आरोप लगे हैं। पुलिस ने ऐसे आरोप लगाए हैं, बयानों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर वाकई ही कल को बंबर ठाकुर के बेटे इस मामले में दोषी निकलते हैं, उनके खिलाफ लगाए गए तमाम आरोप सच होते हैं, तो ये बेहद गंभीर मामला होगा हिमाचल जैसे प्रदेश में, जहां पर ऐसा आमतौर पर माना जाता है जब इस प्रकार की वारदातें होती हैं, आदमी गुस्से में किसी को मार देता है, क्षणिक गुस्से में इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। लेकिन शार्प शूटर, कोई शूटर बाहर से बुलाना, उसको सुपारी देना, इसके लिए पूरी प्लानिंग करना, पूरी रणनीति बनाना, षड्यंत्र रचना और हिमाचल प्रदेश में आकर गोलियां चलवाना, ये वाकई हिमाचल प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में एक बड़ा मामला है। आगे चलकर अगर वाकई ही बंबर ठाकुर के बेटे के खिलाफ ये आरोप सच होते हैं, तो क्योंकि बंबर ठाकुर ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये उन्हें और उनके परिवार को फंसाने का आरोप है, षड्यंत्र है। उन्होंने DG पर भी आरोप लगाए, उन्होंने हमीरपुर सदर के विधायक पर भी आरोप लगाए, जबकि हमीरपुर के विधायक जम्बाल साहब ये साफ कह चुके हैं कि यहाँ पर चिट्टे का कारोबार बढ़ रहा है और सत्ता के संरक्षण में किस प्रकार से एक परिवार, यहाँ पर माफिया बना हुआ, किस प्रकार से गुंडागर्दी का खेल चल रहा है। इस पूरे मामले के पीछे राजनीति भी जरूर हावी हो गई है, सियासत भी चल पड़ रही है। लेकिन फिर बड़ी वही बात, अगर वाकई पूर्व विधायक बंबर ठाकुर का बेटा यहाँ पर दोषी करार दिया जाता तो हिमाचल के लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि पंजाब से शूटर बुलाकर सुपारी देकर किसी को मारने के लिए बुलाए जा रहे हैं। हमीरपुर में आज 14 लाख की ठगी का मामला सामने आया। हमीरपुर के एक व्यक्ति से शेयर मार्केट में पैसा लगाने और मोटा मुनाफा कमाने के नाम पर 14 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर पैसा वापस दिलाने की मांग की है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 1 कृष्णा नगर निवासी सम्मी ठाकुर को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन माध्यम से शेयर मार्केट में मोटा मुनाफा कमाए जाने का झांसा दिया गया, जिस पर सम्मी ने 14 लाख 33 हजार रुपए लगा दिए।
उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है। इस बारे में उसे बाद में पता चला कि जो पैसा लगाया गया है वह फेक आईडी से लोगों का लालच में फंसाकर उनसे ऐंठा गया है। फिलहाल पुलिस ने शम्मी ठाकुर की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ इंडियन पिनल कोड 420 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ट्रेन की चपेट में आने से हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर देर रात कोटी रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से ये दर्दनाक वाक्य सामने आया। मृतक परमाणु क्षेत्र का रहने वाला था। ट्रेन शिमला से कालका की तरफ जा रही थी। रेलवे पुलिस अधीक्षक कुलवंत नेगी ने इस हादसे की पुष्टि की। आनीचवाई सड़क मार्ग पर भी एक सड़क हादसा हुआ। आनीचवाई सड़क मार्ग पर भांगी डवार के नज़दीक आज सुबह सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हुई। बलैरो कैंपर में कुल पाँच लोग सवार थे, जिनमें एक व्यक्ति की गाड़ी के नीचे दबकर मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहन बखनोआ पंचायत के पनखड़ गाँव का की है, जो दूध की ढुलाई का काम करता था। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गाड़ी के नीचे से बाहर निकाला गया और सिविल अस्पताल आनी पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। वहीं घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मृतक की पहचान अशोक कुमार गांव पनगढ़ आनी जिला कुल्लू के रूप में की गई है, जबकि घायलों में संतोष कुमार निवासी पनगढ़, रामलाल निवासी कलों, शोभा राम निवासी पनगढ़ व चेत राम निवासी चनोट आनी शिमला के रूप में की गई है आनी कुल्लू के रूप में की गई है। पांव फिसलने से एक पर्यटक लापता हो गई है। महिला पर्यटक है ये। मणिकरण के कटगाला में सेल्फी लेते समय महिला पर्यटक का पांव फिसलने से पार्वती नदी में गिर गई थी, जिसके बाद वह लापता हो गई है। घटना बीती देर शाम की है। लापता महिला हरियाणा से अपने पति के साथ घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियों में आई थी। हरियाणा के झज्जर निवासी 31 साल की कविता अपने पति अजय के साथ मणिकरण के कटगाला में गई थी। ये वहाँ पर अपने पति के साथ पार्वती नदी के किनारे उतरी थी। कविता नदी किनारे खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी। इसी बीच महिला का पांव फिसल गया और पानी के तेज भाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम वहां के लिए रवाना हो गई। अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, लेकिन कोई अता पता नहीं है। पुलिस के अनुसार पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से वहां पर तलाश कर रही है, लेकिन महिला का पता नहीं चल पाया। व्यास नदी में गिरा एक टेम्पो। कुल्लू से करीब 3 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ मनाली मार्ग पर स्थित वैष्णो मंदिर के पास एक टेम्पो गहरी व्यास नदी में जा गिरा, जिसके बाद टेम्पो चालक लापता हो गया है। हादसा बीती रात 12 बजे के बाद हुआ। वैष्णो देवी मंदिर के पास रेस्टोरेंट चलाने वाले नवीन कुमार ने बताया कि बीती रात करीब 12 बजे एक टेम्पो के नदी में गिरने की जोरदार धमाके के साथ आवाज़ सुनाई दी। जब नज़दीक जाकर देखा तो कुल्लू की तरफ से आया एक टेम्पो अचानक अपनी लाइन को छोड़कर व्यास नदी की ओर मुड़ा और नदी में जा गिरा। मौके पर जाकर देखा तो टेम्पो नदी में सीधा समाया हुआ था और टेम्पो चालक टेम्पो में मौजूद था। वह टेम्पो के डाले की तरफ निकला और कुछ देर के बाद वह लापता हो गया। चालक सुरक्षित है या नहीं या नदी में बह गया, इसे लेकर पूरी तरह से चिंता वाली बात बनी हुई है। तलाशी अभियान भी चला हुआ है। लेकिन मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री, राज्य के 5 जिलों में मानसून पहुंच गया है। सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में मानसून की एंट्री हो गई है। शेष हिमाचल में कल तक मानसून आ जाएगा। प्रदेश में कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 28 जून से 1 जुलाई तक हैवी रेनफॉल होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया है। आज पहाड़ों सहित मैदानों में भी कई स्थानों पर बारिश दर्ज हुई और ये माना जा रहा है कि इस मौसम में आने वाले 4-5 दिनों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नदियों उफान पर आ सकती हैं, बाढ़ की संभावनाएं बन सकती हैं या फ्लैश फ्लड हो सकता है, यानी कि यहां पर बड़े स्तर पर नुकसान भी हो सकता है। इसके चलते तमाम जिलों के डिप्टी कमिश्नर ने चेतावनी जारी करते हुए सभी लोगों को ये एडवाइजरी जारी की है कि नदी नालों के किनारे ना जाएं। हिमाचल प्रदेश में टीजीटी जेबीटी भर्ती की बात करें तो अब इस भर्ती को लेकर जिस प्रकार से राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि यहाँ पर टीचर्स की जब छुट्टियों का दौर चल रहा है, स्कूलों में ज्वाइनिंग से पहले उन्हें 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर उन तमाम टीचर्स ने जिनके पास नामी प्राइवेट स्कूलों
स्कूलों को पढ़ाने का लंबा अनुभव है, क्योंकि बैच वाइज अगर यहाँ पर भर्ती हो रही है या कमीशन के थ्रू भर्ती हो रही है, तो ये माना जा रहा है एक मोटे अनुमान के अनुसार पर कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनमें 90% ऐसे यहाँ पर एप्लीकेंट्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, और ये प्राइवेट स्कूल रेपुटेटेड स्कूल हैं। इसके चलते अब ये डिमांड होने लगी है कि इस भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र के लिए एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाए, जिनके पास रेपुटेटेड एक अच्छे स्कूलों के जिनके रिजल्ट भी अच्छे हैं, उन स्कूलों को पढ़ाने का 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पर उनकी ज्वाइनिंग में डिले ना किया जाए। क्योंकि शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किए थे कि हम 1 जुलाई से अपॉइंटमेंट लेटर देने शुरू कर देंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री विदेशी दौरे पर हैं, 10 दिन के बाद वो आएंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन इसी बीच तमाम जितने एप्लीकेंट्स हैं उनका ये नाराजगी है, उनका ये आरोप है कि उनकी नियुक्ति को जानबूझकर डिले किया जा रहा है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।